प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है, ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड के दो लेयर के बीच मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है या रेजिस्ट करता है. ऑल क्लियर. वाटर और हनी के जब मैं एग्जांपल लेती हूँ, वाटर जो है वो इजीली फ्लो करने वाला लिक्विड है और हनी जो है वो काफी स्लो फ्लो करता है, उसका जो फ्लुइडिटी है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू वाटर. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर थोड़ा कम डेंसिटी है वाटर की और वो थोड़ा ज्यादा डेंस है. अच्छा, फ्लो जब होता है तो बेसिकली क्या होता है, वो लिक्विड इजी फ्लो होता है, वो उस लिक्विड में इजी फ्लो होता है जहां पे दो लिक्विड लेयर के बीच जो मोशन होता है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, वो इजी फ्लो दिखाता है. और जहां पे मान लो ये लिक्विड का लेयर है, दूसरा लिक्विड का लेयर है, तीसरा लिक्विड का लेयर है, ठीक है. ये फ्लो करेंगे ऐसे ऐसे फ्लो करेंगे, ऐसे ऐसे फ्लो करेंगे, इस तरीके से नीचे गिरेंगे. तो जब फ्लो करेंगे तो उन लिक्विड लेयर के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है, एग्जिस्ट करता है उनके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, उनके जो मोशन है या जो फ्लो करने का टेंडेंसी है उसे रोकता है, उसे रेस्ट्रिक्ट करता है, उसे रेजिस्ट करता है. दैट्स व्हाई उस लिक्विड के फ्लो धीरे धीरे घट जाता है या स्लो हो जाता है, फ्लो जल्दी नहीं हो पाता है. क्यों नहीं हो पाता है? कोई एक लिक्विड है बहुत इजिली फ्लो हो जाता है बहुत फटाफट. आप वाटर और ऑयल की बात कर लो, वाटर का इजी फ्लो है, ऑयल बहुत इजिली फ्लो नहीं होता है अगर आप थोड़ा डेंस ऑयल लेते हो. क्यों नहीं होता है? बिकॉज उसके इमीडिएट लेयर के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है. ये जो लिक्विड है प्रॉपर्टी की, जिससे दो इमीडिएट लेयर के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है और फ्लो घट जाता है लिक्विड का, या मोशन घट जाता है या रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोसिटी. ऑल क्लियर. इसे थोड़ा हमें अपने वर्ड्स देके अच्छे से उसको डिफाइन भी करना है, लिख देंगे हम इसे अच्छे से, ठीक है. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है विस्कोसिटी क्या है? यस मैम. यस मैम. दो लेयर के बीच में कोई भी, ये दोनों इमीडिएट लेयर है. अब ये दोनों भी इमीडिएट लेयर, इसके नीचे और एक लेयर होगा वो भी इसके साथ इमीडिएट लेयर. दो इमीडिएट लेयर के बीच में जो फ्लो होता है लिक्विड का, उसको जो रेस्ट्रिक्ट करने वाला जो टेंडेंसी होती है, दैट इज विस्कोसिटी. फ्लो को रेस्ट्रिक्शन दिखाया जाता है, फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करा जाता है, या फ्लो जो उसका फ्लो है उसको अपोज करा जाता है. इट इज अपोजिंग फोर्स. विस्कोसिटी इज अ अपोजिंग फोर्स टुवर्ड्स द फ्लुइडिटी ऑफ लिक्विड. इट इज अपोजिंग फोर्स टुवर्ड्स द फ्लुइडिटी ऑफ लिक्विड. सो राइट डाउन, इसको बहुत तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हो. सो राइट डाउन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच. राइट डाउन. By virtue of which it tends to oppose the relative motion between two immediate layers. Clear? It is a tendency or property of a liquid by virtue of which it tends to oppose the relative motion between two immediate layers. ये इसका definition है. और it is the force of friction that resists the flow of liquid. That resists the flow of
liquid. It's the force of friction that resists the flow of liquid. You can write like this also. बहुत तरीके से आप अपना डेफिनेशन खुद भी क्रिएट कर सकते हो. ओके अच्छा, तो अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी एफ, अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम एफ मान लेते हैं, तो किन चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है? कि लिक्विड का सरफेस एरिया कितना है और उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज डीवी बाय डीएक्स, उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अगर मैं एफ मान लू, मान लो मैं एफ मान लेती हूँ, जो फोर्स बन रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल जो फोर्स बन रहा है अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा ना. अगर लिक्विड का फ्लो ऐसा है तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. अगर ये फ्लो लिक्विड इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उल्टा जाएगा, तभी तो रेजिस्ट करेगा उसे. क्लियर? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डीवी बाय डीएक्स. This is known as, this is the surface area and dv by dx is the velocity gradient. Velocity gradient. I'm change in velocity upon me change in distance. Change in velocity divided by change in distance. यूनिट डिस्टेंस में कितना वेलोसिटी, मतलब ऊपर का लेयर कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है और नीचे का यूनिट लेयर कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है, और उनके बीच अगर यूनिट डिस्टेंस में ले लेती हूँ तो उनके बीच का वेलोसिटी डिफरेंस कितना है, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है, डीवी बाय डीएक्स. पर यूनिट लेंथ वेलोसिटी का कितना चेंज हो रहा है दो लेयर के बीच में. क्लियर है? So don't think, तो बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, इसमें छोड़ दो इसे. Force proportional to surface area and आपको इसका यूनिट पूछा जाएगा एग्जाम में, थोड़ा बहुत अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा तो आप लिख सकते हो इसे. Force proportional to dv by dx. Compactly अगर मैं लेती हूँ, this is proportional to a dv by dx. ये proportionality constant को हम यहाँ पे eta लेते हैं. So that implies f is equal to eta a dv by dx. What is this eta? This is the coefficient of viscosity. Okay? So here eta is the coefficient of viscosity. लेते हैं eta को हम मानते हैं. अब आपको पूछा जाएगा what is the unit for eta? क्या निकालोगे आप? F into dx, eta को मैं इस तरह रख लेती हूँ और बाकी इसकी सबको यहाँ पे ले आती हूँ. F into dx divided by a into dv. So please tell me what is the unit of eta now? कितना हो जाएगा? ये सीधा लो ना, फोर्स का न्यूटन आएगा. dx का मतलब है मीटर, ले लो. dx मतलब क्या है? यूनिट डिस्टेंस है ना, dx मीटर है. डिवाइड बाय मैम मीटर इनवर्स आ जाएगा ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स. ये क्या है? एरिया है मीटर स्क्वायर. अच्छा, व्हाट इज डीवी? डीवी इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. ये मीटर कट हो गया, ये कट गया. यस मैम, आ गया न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स मीटर स्क्वायर मीटर माइनस 2. व्हाट इट? ये है आपका एटा का यूनिट पूछा जाता है. दिस इज द एसआई यूनिट. अच्छा, न्यूटन को फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो एम इंटू ए करके. फोर्स को आप अगर एम इंटू ए करोगे, इसका और एक यूनिट आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड मीटर माइनस 2 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? ये लगभग मेरा आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है ना, ये तो भी आ जाएगा केजी, ठीक है ना, केजी मीटर पर सेकंड आ रहा है ना, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है. हाँ ठीक है, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, देखो यही आ रहा है क्या, चेक करो एक बार. इसको आप केजी में डालो, बिल्कुल. तो क्या हो जाएगा? केजी पूरा न्यूटन को भी आप ब्रेक करोगे तो यही बनने वाला है, देख लो एक बार.
यस मैम ठीक है, यस मैम अच्छा ठीक है। तो ये है ईटा जो बोलते हैं उसका ऐसा यूनिट है ये। अच्छा सीजीएस यूनिट में इसके यूनिट को हम पॉयस कहते हैं, पॉयस इज द सीजीएस यूनिट फॉर ईटा, ध्यान रहे पॉयस इज द सीजीएस यूनिट फॉर ईटा ये पूछा जाता है, क्लियर है ना। ऐसा यूनिट तो मैंने यहाँ पे दे दिया है, अगर आप इसको ऐसा यूनिट में लिखना भी चाहोगे तो आप इसे लिख सकते हो, सीजीएस यूनिट में इसको पॉयस कहा जाता है ईटा, क्लियर है ना। सो दिस इज द यूनिट फॉर ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ही मांगा जाता है बेसिकली विस्कोसिटी में, ठीक है। अच्छा अब हमने सारा पढ़ लिया है, अब हम सीधे चलते हैं विस्कोसिटी के बारे में, आपने डेफिनेशन जान लिया, ठीक है क्लियर है, मिटाना मतलब लिखना नहीं है। हाँ लिखो लिखो, और उसके बाद आपने समझ भी लिया कि विस्कोसिटी क्या होती है, किस तरीके से डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, किस तरीके से और भी काफी सारे अभी पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी अभी आपने जाना नहीं है, जानोगे अभी, और बाकी आपने देख लिया कि किस तरीके का इसका डेरिवेशन करा जाता है विस्कोसिटी फोर्स, विस्कोस फोर्स के लिए, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं कि टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है विस्कोसिटी का, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आपने भी ये देखा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ लिक्विड का थिकनेस थोड़ा घट जाती है, आपने देखा है कभी मार्क करा है, आप गर्म कर दोगे ना वो जो थिक होके रहता है ना थोड़ा थीन पतला हो जाता है, वो देखा होगा आपने। यस मैम यूजुअली होता है, आपने देखा होगा ऑयल भी है, ऑयल भी है तो आपने देखा होगा विंटर में ऑयल जो होता है वो जम जाता है, कोई भी ऑयल है देखा होगा आपने, कोकोनट ऑयल मेनली आपने ऑब्जर्व करा है जम जाता है। Yes, ma'am. हो जाता है जब आप थोड़ा सा गर्म करते हो तो क्या हो जाता है वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो टेम्परेचर के साथ साथ विस्कोसिटी घट जाती है, तो टेम्परेचर और विस्कोसिटी का इनवर्स रिलेशन है, जैसे सरफेस टेंशन का इनवर्स रिलेशन था टेम्परेचर के साथ, सिमिलरली विस्कोसिटी का भी इनवर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, तो ये रिलेशन पूछा जाता है। सो राइट डाउन यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि विस्कोसिटी viscosity is proportional to 1 by temperature and proportional to density. Temperature के साथ inversely proportional दिखाता है और density के साथ proportional होता है, density ज्यादा है तो viscosity ज्यादा, और hydrogen bonding के साथ भी direct relation दिखाता है। मैम इसको अच्छे से लिखते हैं, let me write here viscosity is proportional to 1 by temperature, proportional to density and proportional to hydrogen bonding. Yes? Prachi, bolo. Haan, Prachi, bolo. मैम कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें बॉइल करते हैं मैम, पहले वो लिक्विड में होती फिर मैम वो गाढ़ी हो जाती, क्यों मैम क्या हो जाती है जैसे वो लिक्विड होती है? मैं समझ गई वैसा वो, अरे वो आई मीन खाना जैसे हम बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली पहले आप उसे थोड़ा थिक थीन होता है, वो जब आप उसे खाना बनाते हो तो पक जाता है तो वो फिर ग्रेवी हो जाता है, ग्रेवी हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, हाँ वो बॉयल होने लग जाते हैं जो फूड है वो पक जाते हैं, पक जाने के बाद वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाएगा, सॉफ्ट होगा तो उसका एरिया बढ़ जाएगा तो थिक हो जाएगा। यूजुअली खाना बनाने की तुम बात कर रहे हो, मैं समझ गई हूँ, काफी सारे ऐसे डिशेस बनाया जाता है जो थोड़ा पहले हम जब उसे बॉयल स्टार्ट करते हैं गर्म करते हैं तो वो पहले थिन होता है या लिक्विड के फॉर्म में होता है, जब उसे बॉयल कर लेते हैं कुछ टाइम उसे स्टीर करने के बाद वो थिक पेस्ट बन जाता है। Yes, उसके साथ नहीं, उसके साथ उसका रिलेशन नहीं है, वो तो खाना बन जाता है प्रॉपर, आप चावल को ही ले लो, जब आप पहले पानी में चावल देते हो तो उसके बाद धीरे धीरे जब बॉयल होने लगता है धीरे 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 वो थिक हो जाता है, चावल बन जाता है प्रॉपर पक जाता है, वो दूसरा कंसेप्ट है प्राची, वो तो खाना ही बन जाता है, खाना बनेगा तो धीरे धीरे वो फूल जाएगा खाना आपका, जो भी आप
आप जो खाना बना रहे हो, जो भी आप कुक कर रहे हो, वो खाना बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो थिक नहीं हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? बहुत रीजन है, उसके पीछे तो बहुत रीजन है। ऐसा भी हो सकता है बॉयल होते होते पानी वेपर हो गया तो जो बच गया वो थोड़ा थिक फॉर्म में आ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो काफी सारे इसके पीछे रीजन है, बट इसके पीछे इससे कोई कंसेप्ट नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल कुकिंग वाला कंसेप्ट है उसमें। बट ये आपने नॉर्मली ऑब्जर्व करा होगा कि अगर चीजें थिक फॉर्म में है तो जब आप उसे थोड़ा हीट दे देते हो या थोड़ा गर्म कर देते हो आपने, ना? तो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, हमने ऑलरेडी ये कर लिया है, विस्कोसिटी वाला जो कंसेप्ट है उसे नोट डाउन कर लो आप, ये जो कंसेप्ट दिया है। उसके बाद हम चलते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन मेरा है, उसके बाद हम छुट्टी कर लेंगे। तो थोड़ा आप जानोगे कुछ कुछ ना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि लंडन फोर्स होता है, डिस्पर्सन फोर्स होता है, काफी सारी चीजें है। तो आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, चलेगा? आप खुद पढ़ के कर लोगे तो चैप्टर में खत्म कर दूंगी आज पूरा। Yes, थोड़ा बता दू, हल्के से बता देती हूँ, आप उसके बाद देख लेना। आपको नहीं कराऊंगी मैं, आपको समझा दूंगी क्या चीज है, क्या है, कैसा है, ठीक है? तो दिस इज डन, कंप्लीटेड। सीबीएसई में है? यस मैम। हां यस मैडम, यस बोलो, क्या है अर्पित? मैम जो अभी आप शॉर्ट टॉपिक करा रहे हो वो है अभी सीबीएसई में? हाँ, है डिस्पर्सन फोर्स है, लंडन फोर्स है, आपको शॉर्ट नोट मिलता है। तो मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, डायग्रामेटिकली बता दूंगी, तो आप खुद नहीं लिख सकते हो पढ़ के, नहीं होगा? हो जाएगा ना? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आप एनसीईआरटी के पहले ही पेजेस में है, स्टेट्स ऑफ मैटर देख लेना एक बार, पहले ये फर्स्ट और सेकंड पेजेस में आपको मिल जाएगा वो एनसीईआरटी के, स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। Types of intermolecular forces. आपको ये पता है कि अगर कोई भी substance, object, कुछ भी, it may be solid, it may be liquid, it may be gas, और अगर वो adjust करता है, इसका मतलब क्या है? उनके भी intermolecular forces है। ये जो intermolecular forces होती है, जो molecule के बीच का जो force of attraction होता है, वो कितने तरीके के होते हैं? काफी सारे तरीके के होते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे, types of intermolecular फोर्सेस क्या क्या होते हैं, ठीक है? तो मेनली आपको दो तीन चीजों के बारे में यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी जो आपका है अभी। वैसे एंट्रेंस के अगर मैं कंसेप्ट मानू तो वहां पे और भी दो तीन एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, बट अभी जितना सीबीएसई में है आप उतना ही पढ़ लो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। सबसे पहले मैं डिस्पर्सन, लंडन फोर्स कहा जाता है। दूसरा क्या है मेरा? डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है, डाइपोल फोर्स। डाइपोल फोर्स होता है। थर्ड एक क्या आता है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एक होता है। और फोर्थ वन जो है बेसिकली आपके जो एनसीईआरटी में है ये है, रिवर्स डिस्पर्सन फोर्स के बारे में थोड़ा सा दे दिया गया है, डाइपोल के बारे में बता दिया गया है, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के बारे में बता दिया गया है, और एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
क्लियर है? ये आपको नहीं कराऊंगी, ऑलरेडी आपको मैंने एक पूरी क्लास देके कराई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्वार्टर में कैसे है, कैसे है, काफी सारे रीजनिंग क्वेश्चन भी हमने इसके ऊपर करा था। बाकी मैं इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगी, ये फोर्सेस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं यही पे करा देती हूँ, वन बाय वन कराऊंगी, रफ करती जाऊंगी। सबसे पहला है मेरा डिस्पर्शन फोर्स। डिस्पर्शन फोर्स डिस्पर्शन फोर्स और यू कैन कॉल इट लंडन फोर्स भी कहते हैं। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल। ये जितने फोर्स आपके, जितने इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट करता है, जितने भी टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सबसे वीकेस्ट फोर्स में माना जाता है डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। क्लियर है? दिस इज द, आपको थोड़ा सा मैं आपको सबसे ज्यादा ये वीकेस्ट फोर्स में माना जाता है। क्या होता है देखो, अच्छा आपको ये पता है कि जब भी दो मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं, ये हमेशा होता है, दो मॉलिक्यूल पास पास हो और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, 100% फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया है, ठीक है। अभी डिस्पर्शन फोर्स क्या होता है, मान लो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, डिस्पर्शन फोर्स कहां पे एग्जिस्ट करता है, पहले छोटा सा आपको बता देती हूँ, एग्जिस्ट बिटवीन, अगर बिल्कुल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल पोलैरिटी नहीं है ऐसे मॉलिक्यूल अगर होते हैं, उनके बीच जो एग्जिस्ट करता है फोर्स, दैट इज नोन एज डिस्पर्शन फोर्स। अच्छा, नॉन पोलर फोर्स मैं आपको बताती हूँ, नॉन पोलर फोर्स का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है जहां पे पोलैरिटी बिल्कुल नहीं है, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल, जहाँ पे नेगेटिव, जैसे HCl है, ये क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है वो पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, व्हेयरएज दिस मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी पोलैरिटी नहीं है। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल क्यों, ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर क्यों है, नेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये पोलर क्यों है, इसके इन दोनों के बीच नेगेटिविटी का डिफरेंस है। जो पोलर होता है उसमें क्या होता है, पार्शियल चार्ज डेवलप करता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो डेल्टा माइनस लेता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो डेल्टा प्लस लेता है। आपको ये पता है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो डेल्टा माइनस लेता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो डेल्टा प्लस लेता है। तो बन गई ना पोलैरिटी, बन गई ना, जहां पे चार्ज क्रिएट हो गया मतलब मॉलिक्यूल पोलर हो गया, जहां पे चार्ज का अपीयरेंस आना होना स्टार्ट हो गया, that is a polar molecule. So this is a polar molecule, delta plus delta minus. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, because दोनों के negative electronegativity बिल्कुल same है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ पे, second में पढ़ेंगे, dipole dipole में। अब यहाँ पे dispersion में क्या पढ़ेंगे, non-polar molecule के बारे में पढ़ेंगे। मान लो H2 molecule है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक H2 molecule है, उसके पास दूसरा H2 molecule है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या, बिना पोलैरिटी का अट्रैक्शन कैसे होगा, पोलैरिटी ही नहीं है तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे।
अच्छा तो अट्रैक्शन बनता कैसे है, डिस्पर्शन फोर्स होता क्या है, फिर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे आएगा? अच्छा मान लो किसी रीजन के वजह से या किसी एक कोई भी एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पे मान लो इसके अंदर कहीं पे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहीं किसी एक साइड में, इलेक्ट्रॉन आपको पता है रिवॉल्व कर रहा है कहां पे, बीच में न्यूक्लियस है, ये H2 मॉलिक्यूल, ये भी H2 मॉलिक्यूल, अब ये दोनों नॉन पोलर है, ठीक है, तो पोलैरिटी ही नहीं है। मान लो यहाँ के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच होगा दो H2 हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कंबाइंड होके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे वो अपना रिवॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो जब रिवॉल्व करते हैं तो मान लो कहीं पे एक जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, मान लो इस तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कोई एक मोमेंट में ज्यादा होगी, थोड़ा डेल्टा माइनस में चला जाएगा, डेंसिटी घूमते घूमते यहाँ पे एक जगह पे डेंसिटी मान लो ज्यादा है अभी फॉर अ मोमेंट, फिर डेल्टा माइनस में चला जाएगा वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, और टेम्पो इसे क्या कहते हैं डिस्पर्शन फोर्स को, टेम्पोररी कहते हैं, टेम्पोररी डायपोल क्रिएट होता है यहाँ पे, ये नॉन पोलर है बट यहाँ पे टेम्पोररी डायपोल क्रिएट होता है, ये एक्चुअली पोलर नहीं है बट इसमें डायपोल क्यों बनता है, टेम्पोररी डायपोल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सम मेनी सर्कमस्टेंसेस आर देयर, क्लियर है? तो यहाँ पे मान लो किसी तरीके से यहाँ पे चार्ज प्लस नेबरिंग मॉलिक्यूल में किसको खींचेगा, डेल्टा माइनस को खींचेगा ना, हमेशा पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यू कैन सी हियर वेरी नाइसली, आप इसको देख सकते हो, ये क्या करेगा इसी मॉलिक्यूल के अंदर से नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, प्लस है ना, तो यहाँ पे भी उस तरीके का एक डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी क्रिएशन नहीं हुआ था पहले, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, नथिंग वॉज देयर, बिल्कुल ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में माने जाते हैं, बट ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल जो होते हैं स्टेशनरी नहीं होते हैं, ये रोटेशन में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करता रहता है, किसी भी रीजन की वजह से अगर यहाँ पे परमानेंट टेम्पररी डाइपोल, मैं यहाँ पे दे देती हूँ, टेम्पररी डाइपोल का मतलब है कुछ टाइम के लिए डाइपोल क्रिएट होता है, वैसे नॉन पोलर है बट कुछ टाइम के लिए फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डाइपोल क्रिएशन प्लस बनेगा, अब डेल्टा प्लस क्या करेगा, नेबरिंग जो मॉलिक्यूल है उसमें से डेल्टा माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे भी इंड्यूस डाइपोल हो गया, यहाँ पे टेम्पोररी डाइपोल है और यहाँ पे भी डाइपोल का इंडक्शन हो गया, इसने यहाँ पे नहीं तो कैसे ये एक्सिस्ट करेगा मॉलिक्यूल, क्लियर है? अब यहाँ पे इसने क्या कराया, यहाँ पे डेल्टा माइनस क्रिएट करा दिया, जब यहाँ पे डेल्टा माइनस आया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी डाइपोल का इंडक्शन हो सकता है अगर उसके पास में कोई चार्ज रख दो तो, और ये चार्ज जो है ये भी टेम्पोररी है नॉट परमानेंट, दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू सम रीजन सम सर्कमस्टेंसेस वहां पे एक टेम्पोररी डाइपोल क्रिएट होता है, जब क्रिएट होता है तो नेबरिंग में भी डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, अब ये खींचेगा इसको तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि प्लस है तो माइनस को खींचेगा, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अब क्या हो गया, फाइनली मुझे क्या मिला, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, अब इनके बीच विक डिस्पर्शन फोर्स एग्जिस्ट कर गया, इन दोनों के बीच मॉलिक्यूलर फोर्स आ गया, अब दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट ये जो अट्रैक्शन है
बहुत वीक माना जाता है, वीकेस्ट है। मैम ये डाइपोल, मैम ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये एज्यूम की गई है या एग्जिस्ट करती है सच्ची में? नहीं ये एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है तो फिर मॉलिक्यूल मेरा सब्सटेंस कैसे बनता? जैसे आपने देखा होगा नोबेल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं ना, जो जिनके बाहर कंप्लीट कॉन्फिगरेशन होता है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, इन सब में ये वीक डिस्पर्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। वहां पे भी तो एग्जिस्ट करता है ना, वो भी तो गैस के फॉर्म में होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होंगे बिना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का? तो फिर बन ही नहीं सकता, दुनिया में कुछ भी नहीं बन सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी इनके बीच का जो फोर्स है ना, ये टेम्पररी है ना, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, ये बहुत वीक फोर्स है, नोन एज डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स में इसका नाम दिया गया है। दिस इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल, क्लियर है? और आपको पूछा जाएगा डिस्पर्सन फोर्स कहाँ किसके बीच एग्जिस्ट करता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? थ्रू टेम्पररी डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है? तो आपको पढ़ा दिया है, बाकी आप खुद भी लिख सकते हो, काफी तो आपको बता दिया मैंने इसके ऊपर। अभी यही लिख के आ जाओगे तभी आपको मार्क्स मिल जाएगा पूरा, ठीक है? ये सबसे वीक फोर्स है, ध्यान रहे। नेक्स्ट चलते हैं डाइपोल, डाइपोल फोर्स, ये इजी है, आपको समझने में बहुत इजी हो जाएगा। डाइपोल डाइपोल में चलते हैं, इसको रब कर रही हूं अगर आपने लिख दिया है तो। एक सेकंड, अब आपको 5 मिनट पढ़ा के ना फिर बस ये दोनों बता देती हूँ, छुट्टी करेंगे उसके बाद। रिजॉइन कर, हाँ नहीं रिजॉइन नहीं करने, कितना टाइम बचा है और? मैम 6 मिनट, 6 मिनट में हो जाएगा बेटा, फटाफट कर अभी इसको मैं रब कर के बोलो पहले। अगर नहीं हम कर दो रब, मान लो कुछ थोड़ा सा रह गया ना, तो जिस दिन आपकी फिर आपने इतना सारा होमवर्क भी तो करा है, उसके डाउट भी तो चाहिए आपको, या सारा हो रहा है, डाउट नहीं है, डाउट भी तो बना होगा। हम चाहिए क्या क्या चाहिए? डाउट, डाउट क्लास, हाँ मैं वही बोल रही हूँ, तो उसमें फिर आपको जो बचेगा वो बता दो, ठीक है? अच्छा फिर और इस बात की सोच रही थी, एंट्रेंस के बच्चे हैं ना, आपने काफी अभी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के जो टेस्ट दिया है ना, चाहते हो कि और एक टेस्ट भेज दो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का लास्ट टेस्ट, उसके बाद हम बॉन्डिंग में चलेंगे, ठीक है मैम? क्या बोल रहे हो बताओ, या फिर देख लो अगर आपको अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है तो भेज दो मैम। और एक देना है? यस मैम, ठीक है ठीक है ठीक है, और एक अगर देना है लास्ट दे दो, उसके बाद हम सीधे चलेंगे बॉन्डिंग में चलेंगे, ठीक है? अच्छा तो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट। डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है थोड़ा सा, डिस्पर्शन से स्ट्रॉन्गर है थोड़ा सा, स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये, सबसे बिग फोर्स है। डाइपोल डाइपोल का मतलब होता है एडजस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जैसे कि HCl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल पोलर है, HCl मॉलिक्यूल जो है, HCl मॉलिक्यूल पोलर है। क्यों पोलर है? यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक डाइपोल क्रिएट हो चुका है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस है और डेल्टा माइनस है। मान लो ऐसे एक मॉलिक्यूल ऐसे दूसरे एक मॉलिक्यूल के पास आएगा, मान लो ये मेरा इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से HCl मॉलिक्यूल है, यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे ये HCl मॉलिक्यूल है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, रुको, ये H है और ये यहाँ पे Cl है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, इस तरफ डेल्टा प्लस है और इस तरफ डेल्टा माइनस है। आप देख सकते हो जब इसके पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, मान लो दूसरा HCl मॉलिक्यूल आएगा, तो डेल्टा माइनस के पास कौन रहेगा? डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस आएगा। इसको थोड़ा मैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ पे दिखाने के लिए ना इसको थोड़ा सा मैंने वाइडर कर दिया है, इस तरीके से थोड़ा सा ब्रॉड बना दिया है, इसको थोड़ा सा थिन कर दिया है। तो मान लो इसके पास और एक HCl मॉलिक्यूल आएगा,
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेल्टा माइनस आएगा, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस आएगा और यहाँ पर डेल्टा माइनस आएगा। इसके पास और एक HCl आएगा, तो डेल्टा माइनस के पास फिर उस HCl का डेल्टा प्लस वाला पोर्शन रहेगा, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा ना। ये थोड़ा सा अगर HCl है तो उसका भी डेल्टा प्लस यहाँ पे और डेल्टा माइनस आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को खींचेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को खींचेगा, तो अब इनके बीच एक डाइपोल क्रिएट हो गया, ये इसके साथ ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज डाइपोल, डाइपोल फोर्स कहा जाता है। यहाँ पे ये डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल है पूरा, यहाँ पे कोई इंड्यूस डाइपोल नहीं है, ये प्रॉपर डाइपोल क्रिएट हो रहा था पहले से ही डाइपोल है इसका, और उसके बाद फिर ये क्या करता है दूसरे डाइपोल को अपने तरफ खींचता है, ये खींचता है अपनी तरफ, तो इनके बीच डाइपोल डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करता है। एंड दिस इज स्ट्रॉन्गर, क्यों स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे इंड्यूस करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकल डाइपोल है इसके पास। क्लियर? यस मैम। यस मैम। इसके पास डाइपोल है तो डाइपोल फिर इसको खींचेगा अपनी तरफ, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल Cl- इसके तरफ नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों पे ट्रिपल कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा प्लस इसके पास आ जाएगा। इस तरीके से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जुड़ के सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, दिस इज माय डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल किसके बीच बनता है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का मतलब है एक पोलर एक नॉन पोलर। क्लियर है? तब अब मैं आपको लास्ट बता देती हूँ, अगर इन बिटवीन टाइम खत्म होता है तो हम छुट्टी ही मान लेना। Less than one minute left. One minute बचा है, ठीक है? तो ये this is done. ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। And the third one is. हाँ बोलो। ये किसके बीच एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच एडजस्ट करता है। मान लो एक पोलर है, एक अगर पोलर है तो यहाँ पे डेल्टा प्लस है और ये डेल्टा माइनस है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। इसके पास जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा, नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल है, तो इसका नेगेटिव इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या इंड्यूस करेगा? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा।